हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे की किचन से नई रेसिपी लेके आई हूँ। मैं गेहूं के आटे के मीठी टिक्की बनाऊंगी। मैंने चीनी ये घोल के रखी थी इसमें कटोरे में, ये घुल चुकी है, छान के रख लिए मैंने। ये मैंने आधा किलो गेहूं का आटा लिया है और ये मैंने तिल लिए हैं आधे कटोरी। अब मैं क्या करती हूँ, तिलों को इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मोवन के लिए मैं इसमें घी डालती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। मैंने मोवन को अच्छी तरह आटे में मिला लिया है, देख सकते हैं आप। इसमें घी या तेल कुछ भी डाल सकते हो मोवन के लिए। चीनी का घोल बना के रखा है, उससे इसका आटा लगाती हूँ। सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका डो तैयार करती हूँ। ये हमने इसका आटा लगा लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। उसके बाद इसके शक्करपारे बनाएंगे हम, जो गेहूं के आटे के शक्करपारे बना रही मीठे वाले, उसका आटा तैयार है। अभी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये लोई मैंने तोड़ के रख लिया बना के। अब मैं इसकी रोटी बेलती हूँ। इसके शक्करपारे काटती हूँ मैं। आप कोई भी डिजाइन में काट सकते हो। सारे आटे के शक्करपारे काट के रख लूंगी मैं। प्लेट में निकाल लेती हूँ अब इनको। प्लेट में निकाल के रख लेते हैं इनकी। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ये डालती हूँ शक्करपारे। तेल गरम करके गैस को सिम कर देंगे और इनको आराम से सेकेंगे कुरकुरा होने तक। गेहूं के आटे के मीठे शक्करपारे बन के तैयार है। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं खाने में। आप इनको अगर आप चाहे तो चाय के साथ या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।